इलाका के, ये इधर से आरजेडी से पहले विधायक थे, बाद में फिर दो बार विधायक बने ये, तो ये आ रहे हैं आज। देखिए ये हमारे विधायक जी, हमारे विधायक का मतलब अभी नहीं है, अभी प्रेजेंट में कोई दूसरे विधायक है, पर ये पूर्व विधायक है हमारे चतरा कंस्टिट्यूएंसी का, और ये मीरपुर पंचायत के उप मुखिया हो गए। ये हमारे मीरपुर पंचायत के पहले पूर्व पंचायत समिति है, ये समाज सेवी है, वो शिक्षक है सरफराज अहमद अजय जी। उसके बाद बेचैन पासवान जो हो गए हमारे, ये जो है अभी लेटेस्ट जिला पार्षद है। और आपका परिचय नहीं है अभी अभी हम लोगों के सामने, जावड़ा पंचायत के मुखिया है हमारे, ये हमारे एक्स विधायक है, और ये जहिन सर, ये पूर्व जिला पार्षद हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उसके बाद भी हमारे समाज सेवी थारी जी, हम लोगों को उत्साह करने के लिए इन्होंने अपना बहुत कीमती समय देकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं हम लोग बहुत धन्यवाद का पात्र। आई रेफरी साहब कहाँ है, टीम के अध्यक्ष और पूरा कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस तरह के आयोजन करके एक समझे कि आनंदमयी माहौल को बनाने के प्रयास किया है। किन क्षेत्रों में इंटरटेनमेंट बहुत साधन नहीं है, तो कार्यक्रम में आए हुए अतिथि जयंत पासवान जी, शिक्षक खेतुदास जी, अंजर जी, और मजाक में बोल रहे थे मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र जी, महेंद्र उजाला जी, हाँ बिजुमधारी जी, वीरेंद्र कुमार सिंह जी, खुशमिया जी, ये भी प्रतिनिधि हैं ना, इनका पत्नी का नाम है रजनी देवी ना, उसी नाम है, लेकिन याद उस दिन बोले थे, उनको याद बहुत रहता है। राजनी देवी के प्रतिनिधि और उनके पति चैतू जी, चैतू यादव जी, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बेचन जी बहुत अच्छा वक्ता भी हैं, और ये भी जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। सरफराज जी तो एकदम देख ही नहीं रहे हैं, चश्मा लगा लिया, ऐसा कि लगे छोकड़ा बने हुए हैं, और उम्र के भी ख्याल किए, चश्मा नीचे लगाइए। हम लोग सीनियर अधिवक्ता, मेरे भाई अजय कुमार सिंह जी, फूल कुमार यादव जी, रविन्द्र पासवान जी, उप मुखिया मीरपुर, बबन भारती जी, दिलीप कुमार यादव जी, अंजय जी, और इधर मुर्शीद आलम जी, मुर्शीद जी के पोता बेटा सिंह, अरे इतना छोटा बच्चा आप कब से देखिए थे, मासुक भाई, और रविंद्र जी, मुमताज जी, इब्राहिम खान जी, फिर बाबा जी, हाँ ठीक है, तो राजू जी, अजय जी, आप तमाम युवा साथी और युवा के अभिभावक सभी लोग एक बार स्वागत में करता हूं। मंदिर और मीरपुर के खिलाड़ियों को मैंने कहा बिल्कुल खेल खेलता है, खेलने के उद्देश्य से मैंने इंजॉय लेना है। नवारिफ जी की हम लोग तारीफ कर रहे थे, लेकिन नहीं, बड़ी मुश्किल से तारीफ करना पड़ रहा है, जो रेफरी थे जो खिलवा रहे थे, कहीं लगता पिछले खेल में कहीं पर हुआ हुआ कुछ बगझग, तो खेल में तो होता ही है, लेकिन हम खेलने के नियम से मैंने इंजॉय लेने के नियम से हूं खेलवा रहे थे। इस क्रम में हम आरिफ जी को भी धन्यवाद देते हैं, दोनों टीम के कप्तान को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, और हड़बड़ी है, कार्यक्रम जूरी में है, तो जूरी में हम बोले थे 3 बजे आ जाए, तो 3 बजे है, तो 4 बजे का कितना बज रहा है, 4 बज रहा है, हम बोले 3 बजे आ जाएंगे, तो आप सभी लोग से क्षमा मांगते हुए ये बात के मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आप सब देश के भविष्य हैं, युवा साथी, नौजवान साथी और उनके अभिभावक
सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कैसे कार्यक्रम के माध्यम से हम सब मिलकर एक प्रयास करते हैं कि कैसे इस इलाका में जब खेल होता है और कोई जीतता है और कोई हारता है तो दोनों में खुशी होती है। मतलब जीतता है उसके तरफ भी खुशी होती है, जब हारता है तब भी खुशी होती है। अगर ये हार गया लेकिन हंस के बोलता है कि हार गया, तो आप तमाम टीमों के तमाम खिलाड़ियों के साथ साथ आप युवा साथी छोटे छोटे बच्चे जो है नौजवान भविष्य के निर्माता जो है, छोटा बच्चा ज्यादा आनंद लेता है इस खेल में। छोटे छोटे देखिएगा बिना खेले दिन में बैठे रहे लोग, जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक घर जाने वाला नहीं। तो आप सभी लोग से निवेदन के साथ यही मैं कहना चाहता हूं, इसको एकदम बुरा ना मानो। जैसे नहीं बोलता है बुरा ना मानो होली है, तो बुरा ना मानो खेल है। ऐसे खेल में खेल के भावना से देखना चाहिए, खिलाड़ी को भी खेल के भावना से खेलना चाहिए। और जब दो टीम खेलता है तो एक टीम निश्चित हारना है, हारेगा उनको भी धन्यवाद देते हैं और जो जीतता है उनको भी हम शुभकामना देते हैं। दोनों टीम को, विजेता टीम उपविजेता टीम जो खेल रहे हैं। और इसी तरह से कार्यक्रम करके हमको लगता है कि फिर एक आध महीना दो महीना में लगे फिर शुरू कराइए, तो धीरे धीरे सीजन खेल फुटबॉल वाला सुभरा जी समाप्ति को रहता है। बरसात में ही खेलता है लोग, बारिश हो रही है और तब खेलता है। चलेगा इसके बाद क्रिकेट, तब तो सालों भर वाला बात है, गर्मी रहे चाहे बबन जी चाहे ठंडा रहे खेलना पड़ता है। खेलता खिलाड़ी खेलता वो निश्चित तौर पर हम दोनों दो खिलाड़ी एक कौशल भुइया और मुरारी भुइया दोनों को हमने कहा है कि भाई वीरेंद्र भाई के हमने कहा है कि उसका नाप भी देख लीजिएगा और जो पैसा हम फिर ले दस जूता हजारी। आप सभी साथियों के छोटा बड़ा बच्चे को शुभकामना भी मैं देता हूं, या विजयदशमी के अवसर पर आप सब लोग के मिठाई खाइए इंजॉयमेंट मनाइए और प्रसन्न रहिए। आप सब लोग तो यही कहते हैं कि खेल के जो तौर तरीके हैं आप अगर आप प्रयास करेंगे तो अच्छे खिलाड़ी भी बन सकते हैं। उन्हें महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी भी बन सकते हैं। साधन आपके पास नहीं है, हम समझते हैं इन चीजों के। अब जहां पर मामला था यह सुभाष चंद्र स्टेडियम में जो कार्यक्रम होता है, नाम आपने बहुत अच्छा रखा कि सुभाष चंद्र बोस अपने देश के लिए अपने प्राणों को उन्होंने आहुति दिया। सुभाष चंद्र बोस जी, राजगुरु जी, भगत सिंह, तमाम जो बड़े बड़े देश में जो अपने प्राणों को आहुति दिए हैं और उनका नाम पर अगर हम लोग रखते हैं सब हम लोग रखे हैं बहुत अच्छा। मैंने उनका नाम जब तक दुनिया रहेगा तब तक नाम रहेगा, तो बहुत अच्छा आप लोग रखे हैं नाम। और हम लोग डीसी से भी प्रयास, मुखिया जी के प्रतिनिधि से भी प्रयास हम कर रहे हैं कि आपने इसको भिजवाइए, भिजवाए हैं स्वीकृत करके भिजवाइए। वन विभाग से भी एनओसी मिलेगा तो हम लोग प्रयास करेंगे, वन विभाग की कोई आपत्ति नहीं करेगा, वो अनापत्ति प्रमाण पत्र देगा। तो हमको लगता है स्टेडियम ये सरकारी भवन बनाने में कहीं कोई कठिनाई है नहीं है। यहां वन समिति होगा, उसका अध्यक्ष होंगे, वो सब मिलकर ये गांव वाला एक बैठक करके रेजोल्यूशन पास करेंगे और उसी कॉपी हम लोग रेंजर और जो वन प्रमंडल पदाधिकारी हैं सबसे मिलकर के हम लोग उसको एनओसी भी दिलवा देंगे। जब स्टेडियम बन जाएगा एक परमानेंट खेलने की जगह हो जाएगा, जब खेलने की जगह हो जाएगा तो यहां पर बहुत तरह के खेल होते रहेंगे और हम लोग भी आप लोग से मिलते जुलते रहेंगे। जैसे ही क्रिकेट होता है या फुटबॉल टूर्नामेंट होता है तो बहुत लोग से हम लोग मिल लेते हैं, इतना लोग जुटाने में कितना समय लगता है, इतना लोग से मिलने में कितना समय लगता है जहीन भाई, और इतने लोग से हम लोग मिल के जाते हैं तो हम लोग की खुशी होती है। इस क्षेत्र से दो दो बार आप लोग एमएलए बनाया, हम अपने बाद रेकॉर्ड लाइन रख देता हूं। इस क्षेत्र से दो दो बार आप लोग हमको प्रतिनिधि बनाए हैं और हमें दावे से कह सकते हैं इन क्षेत्रों में अगर कोई काम हुआ
तो बड़ा से छोटा काम जनार्दन पासवान के अलावा कोई प्रतिनिधि ने किया। ताली मारा, हमको भी अच्छा लगा। कोई नहीं कह सकता है कि जनार्दन पासवान किसी से एक रुपया कमीशन लिया हो, कोई नहीं कह सकता है। क्षेत्र में विधानसभा में नहीं कह सकता। तो निश्चित तौर पर हमको लगता है कि लोग बोलता है ज्ञान फिर कैसे होता है, तो उतना पेट तो हमारा है नहीं। हो सकते उसमें अनफिट किए होंगे आप लोग, उतना लंबा चौड़ा है नहीं, उतना झूठा नहीं बोलते हैं, बोले डगड़े झूठा। आप नाराज होकर सरफराज जी जाइए, लेकिन अगर बैठ हो गया तो 2 महीना तक तो खुद रहिएगा, 2 महीने बाद फिर गाली दीजिएगा, लेकिन 2 महीने तक आप अब इतना बात कलाकार तो हम नहीं हो सकते हैं। इस क्षेत्र में सुन के आधार पर आज है, अगर ये डैम के थोड़ा सा जो हम घर बनवाए थे वाला धौलाचक वाला, ये हम सैपुर तक न पचहत्तर जो नहीं है बिहार में, हम 75 तक पानी देने के प्लानिंग था हमारा, सपना हमारा अधूरा रह गया। और ये सपना आप सब पर डिपेंड करता है कि अब सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग जिम्मेवार हैं, हम जिम्मेवार नहीं है उसका। वन विभाग से एनओसी लिया था, डीओपो तैयार नहीं थे कभी नहीं, कितना वन विभाग कैसे बनवाइएगा आप। डीसी थे अमित कुमार जी, हम उनको भी धन्यवाद आज इतने याद पड़ गया हमको। अमित कुमार डीसी हमको एक दिन बोले कि विधायक जी आपके विधायक का कोटा कितना मिला है, तो मात्र बोले कि हमको मिला है 5 या 15 करोड़। 3 करोड़ मिलता था विधायक कोटा, और उन्होंने कहा कि मैं आपको 17 करोड़ दिया हूं, आपके अनुशंसा पर 17 करोड़ के काम किया हूं। तो इसमें भी हमारा पूरा जोड़ था, जब काम लगा था उस समय भी कितना बाधा लोग पहुंचाया, गाड़ी में डिस्टर्ब करना, गाड़ी के जलाने के प्रयास करना, काम कैसे बाधित हो, लेकिन सारा चीज तो सफराजी हमने फेस करके काम शुरू करवाया। आज बेचारा जमील साहब नहीं है मुखिया जी, पहला जब हम थोड़ा जगह 95 में काम लगवाए थे तो मुखिया जी के हम उनको दिए थे कि भाई आपको कराना है कैसे, और कमता जी थे, कमता जी हैं कि नहीं आज, कमता जी वीरेंद्र जी नहीं है वीरेंद्र जी, तो दोनों आदमी के मिलके हम लोग वही टाइम पर चयन किए थे, वीडियो भी थे साथ में, और दोनों मिलके बेचारा काम शुरू किया था। धीरे 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 उसको जब मौका मिला था हम इसको विस्तार करते गए। निश्चित तौर पर थोड़ा बांध के और भी ऊंचा करना पड़ेगा, ऊपर तक ले जाना पड़ेगा, जब तक बांध को आगे तक हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक कभी पानी नॉर्दन पजरत्न तक नहीं जा सकता, सैपुर तक नहीं जा सकता। तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, यही रोड सेंक्शन हो गया है, इतना खराब रोड को उधर आना जाना भी बड़ा दुर्लभ हो गया है, 10 साल हमको हारला हो गया, 10 साल से ज्यादा हो गया ना, 14 में मारे 22, इतना दिन हारला हो गया, इन क्षेत्र में काम नहीं हुआ। अधिकारी करते थे, अधिकारी काम करते थे, सुनते थे भी बात, जब कमीशन लीजिएगा कोई अधिकारी आपका बात नहीं सुनेगा, तो केवल खेल हो रहा है, पैसा लाओ काम कराओ। जनार्दन पासवान से अधिकारी भी सम्मान करते थे, अधिकारी छोटे जनप्रतिनिधि हैं, वो लगना नहीं चाहते थे, अब हमको तो अधिकारी भी नहीं चाहता है कि बड़ी कड़ाई करता है यार, और आप भी नहीं चाहते हैं, अब फैसला आपके हाथ में, बड़ी कुछ नहीं बोलते हुए इतना मैं जरूर आज मैं कहना चाहता हूं आप सबको कि मौका मिला इन क्षेत्र में जितना ताकत है, कोई घोषणा नहीं कि 0 बैलेंस पर हाईवा आएगा, नहीं बोल सकते हम 0 बैलेंस पर हाईवा आएगा, 1 आदमी के 1.5 लाख मिलेगा महीना कमाएगा, 75,000 इंस्टॉलमेंट देगा गाड़ी के, और 75,000 के ऐश करेगा, ऐश के नहीं चाहता था ऐश करेंगे, सब ऐश करके फिर हम आपको हरा दिए, आपको आप लोग ऐश किए नहीं, अगला आदमी ऐश कर रहा है आप लोग ऐश नहीं किए, जनता ऐश